जब लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते हैं तो समझ जाओ आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोग तो बातें करेंगे, देखिए लोगों का क्या है, और शायद वही उनका काम है और कुछ काम ही नहीं है उनके पास। तो हमें नहीं लगता है हमें उन चीज़ों से इफेक्ट होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग हैं शिमला में। ये मैं आज आप लोगों को मेरा शिमला का एग्जीबिशन दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया हुआ था। पर उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अमेजिंग वीडियो लाती रहूँ। मैं आप लोगों के साथ मेरे सारे एग्जीबिशन शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती होगी। तो आप लोग मुझे इस वीडियो में बताइएगा कि आपको कौन सी पेंटिंग सबसे अच्छी लगी। यहाँ पे पेंटिंग की और फोटोग्राफी के साथ साथ लाइव स्केचिंग भी थी, जो कि हमारे संजू भैया कर रहे थे। ये बहुत अच्छी लाइव स्केचिंग करते हैं।
और सबसे अमेजिंग बात ये है कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि स्कूल के बच्चे स्कूल की छुट्टी से घर ना जाके सीधे इस एग्जीबिशन में आए थे एग्जीबिशन को देखने के लिए, बिकॉज इनका इंटरेस्ट है आर्ट में. हम लोग तो जब इतने छोटे छोटे थे तो हम लोगों को तो पता भी नहीं होता, पर मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है. हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो है ललित कला एकेडमी शिमला की. मैंने आप लोगों के लिए वहाँ का व्लॉग भी बनाया है जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप उस वीडियो को बिल्कुल भी ना मिस करें. जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. ये एग्जीबिशन जो है वो 3 दिन का था और यहाँ पर लगभग मेरी सारी पेंटिंग सेल हो गई थी, तो आई एम सो हैप्पी. सेल होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत अमेजिंग पर्सन भी मिले मुझे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे. तो आई विश यहाँ जाने का मौका दोबारा मिले. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अमेजिंग वीडियो लाती रहूँ. कॉन्फिडेंस इज योर बेस्ट एक्सेसरी. देयर इज नथिंग एल्स यू नीड. द ओनली थिंग यू नीड टू वेयर वेल इज योर कॉन्फिडेंस.